हेलो दोस्तों, एल्विश कौशिक ने रजत दलाल के ऊपर लगाई एक बड़ी एलिगेशन। बिग बॉस के घर पर एक नया टास्क दिया गया था और उस टास्क के दौरान एल्विश कौशिक ने कहा रजत दलाल ने उनको गलत जगह पर टास्क किया है और उनके साथ बदतमीजी की थी। ऐसा एलिगेशन एल्विश कौशिक ने रजत दलाल के ऊपर लगाई थी, तो इसी के ऊपर भर गई रजबीर फिटनेस। तो उन्होंने इस मैटर के ऊपर क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। तो भाई आज एक रील सामने आई मेरे रजत दलाल की, बिग बॉस की। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब कोई टास्क था, उसमें रोकना था एक दूसरे को, तो उसने इस तरह से हाथ लगाया ये एल्बो एक लड़की को, तो उस लड़की ने खामखा का ड्रामा बना दिया कि इसने मुझे छुआ है। तो मतलब इतनी घिन आती है मुझे ऐसी लड़कियों से, ऐसे लोगों से जो गलत फायदा उठाते हैं अपने जेंडर का। अब उसने एक मिनट में कह दिया और साइड में जाके वो अपने दोस्तों से बोली मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैंने कहा तुमने मुझे वहां क्यों छुआ। तो मतलब उसने खुद ही प्रूव कर दिया मैंने झूठ बोला है। अदरवाइज ये लड़का कैसा भी सही, कितना भी हरामी सही, कितना भी गुंडा सही, कितना भी कमीन सही, ठीक है, लेकिन जहां तक हम जानते ना ऐसा नहीं है कि लड़कियां छेड़ दे। और ऐसा भाई आजकल पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता कि लड़कियों को ऐसा हाथ लगा के कोई छेड़े, लेकिन उसकी इमेज बिग बॉस से यही बन के निकलती कि ये साला मोलेस्टर है। तो एक सेकंड लगती है किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को बदनाम करने में, ऐसा इल्जाम लगाने में, और लड़के की हो जाती जिंदगी झंट। तो मतलब ये देख के मुझे इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा है। तुम्हें पता है मुझे तो भाई पहले ही सख्त नफरत है ऐसी लड़कियों से जो अपना जेंडर का इस तरह से फायदा उठाती है, और इस तरह से मेरा खून फूक जाता है सब देख के। तो भाई ये चीजें कोई भी लड़की है भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि एक सेकंड लगता है आपको ये बोलने में किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छेड़ा। और लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो ऐसा ना करें। और जितना भाई कुछ लोग उसको लिख रहे हैं, मैं तो कभी भी जो वो गलत काम करता है उसको सपोर्ट कभी नहीं करता, कभी मेरे तो सपोर्ट का खैर मतलब ही नहीं है, तुम्हें पता ही है हमारी सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है आज तक की। लेकिन यहाँ भाई मैं उसको सपोर्ट करूँगा कि इतना मैं जानता हूँ कि ऐसा लड़का नहीं है, ना ही आप लोगों ने कभी ऐसी शिकायत सुनी होगी उसकी, ना हमने सुनी, ना हमने देखी जितनी दो बार तीन बार हम मिले उससे या जितनी बार भी बात हुई है, कभी ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं। तो जो लोग लिख रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको सच मान रहे हैं ना माने, आप पूरा क्लिप देखो, उसमें वो लड़की खुद कह रही है कि मैंने जान के ऐसा बोला। तो दोस्तों, रजबीर फिटनेस ने जो भी कुछ कहा इसके ऊपर आपका क्या राय है, आप अपने राय को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।